मैं इनसे क्या मांगू, इनने तो मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दी। और हमारा सौभाग्य है जो हम जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। और आज विशेषकर हनुमान जयंती पर चोला, और ये चोला की अब 2026 तक की बुकिंग हो गई है। पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से आज मनाया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को राजधानी के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त अपने आराध्य को चोला, सिंदूर और मिठाइयों का भोग लगाने मारुति के दरबार में पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि वर्षों के बाद हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा पर चित्ता नक्षत्र एवं सर्वार्थ सिद्धि समेत अन्य योगों के संयोग में हनुमान जन्मोत्सव है। ऐसा संयोग राम भक्त हनुमान के प्राकट्य के अवसर पर पड़ा है। इसी बीच जन जागरूकता की टीम पूरे राजधानी के श्री हनुमान मंदिरों की कवरेज किया। ऐसे में हनुमान भक्त सुबह से ही पूजा आराधना में लगे हुए हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा की गूंजे सुनाई दे रही है। शहर के 3 ऐतिहासिक हनुमान मंदिरों के अलावा गली मोहल्लों के 100 से अधिक मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर ही भक्ति भाव का माहौल रहा। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी मंदिरों में सुबह प्रतिमा पर चोला श्रृंगार पूजन महाआरती की गई। अनेक मंदिरों में महाभंडारा का आयोजन किया गया। गाजे बाजे और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाल कर मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की चौपाइयां गुंजयमान रहा। हनुमान जन्मोत्सव श्री राम जी के बाद श्री हनुमंत लाल जी 7 दिन बाद जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के ब्राह्मणों का, गौ माता का, सबका हित के लिए राम जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ है। पूर्णिमा तिथि है आज, और चैत्र पूर्णिमा तिथि में श्री हनुमंत लाल जी हमारे मंदिर में 5 बजे प्राकट्य उत्सव मनाया गया है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद पुनः भगवान श्री हनुमंत लाल जी को 12 बजे मध्यान्ह आरती, महाआरती और हवन पूर्णाहुति यज्ञ हुआ। अनवरत लोगों का भीड़ लगी हुई है मंदिर में, और इस कार्यक्रम का मुख्य यजमान हमारे परम आदरणीय हमारे श्री एन राजा परिवार के द्वारा भगवान श्री हनुमंत लाल जी को सुबह 5 बजे दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजन, हवन और भंडारा का भी सारा व्यवस्था हमारे श्री एन राजा परिवार के द्वारा यह कार्यक्रम बड़ा सुंदर सफल हुए है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद जन जागरूकता चैनल वालों को, जिनके माध्यम से यूट्यूब के इस दर्शन, यूट्यूब के माध्यम से हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। हम सुनो, तब से मंदिर यहाँ निर्माण तब से हम आ रहे हैं, मनोकामना का जो वादा जो होते हैं हनुमान जी से सबके लिए देते हैं। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसा कि मैं बताऊंगा कि मैं जब से छोटा था 7-8 साल से मम्मी पापा के साथ, धीरे धीरे बड़े होते हुए तो अकेले आना चालू हुआ मंदिर, तब से कंटिन्यू मंदिर आ ही रहा हूँ। कम से कम 15-16 साल हो गया होगा मेरे को यहाँ मंडी कॉलोनी में रहते हुए, और मंदिर में आते हुए हनुमान जन्मोत्सव 22 जनवरी को जैसे कार्यक्रम मनाए थे, हर कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होते हैं और भव्य तरह से कार्यक्रम को अपना मनाते हैं। जैसे कि आधुनिक जमाने में आजकल बच्चे लोग भगवान, मंदिर, ये सबको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मंदिर आने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चों में गुणवत्ता खत्म होती जा रही है, मंदिर आने से वो गुणवत्ता आएगी उनके में। जो उन लोग भगवान को नहीं मानते और ऐसा कुछ जो भी सोचला रहता है उनका, वो बोलते हैं, वो थोड़ा सा आने पे होता है। और पूजा पाठ, हमारा धर्म क्या है, कौन से भगवान को हम मानते हैं, ये सब जानकारी उन लोग को मिलना चाहिए। तो आज के ज़माने को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर आओ, दिन में मत आओ, कम से कम एक टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल के मंदिर आओ और भगवान का दर्शन तो करना ही चाहिए। आज हमारे यहाँ पे हम हर दिन की तरह यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन आज बजरंगबली जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि भव्य शोभ क्या बोलते हैं यार, भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें अभी पूजा पाठ खत्म हुआ है, अब इसके बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। जय जय श्री राम।
यहाँ बहुत पुराना है, जब से हम लोग आए हैं तब से आ रहे हैं हर साल मनाते हुए, और हमको बहुत ही मतलब खुशी होती है। और हमारा सौभाग्य है जो हम जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। हमको 20 साल से ज़्यादा हो गया, जब से यहाँ मतलब रायपुर आई हूँ तब से आ रही हूँ मैं। जो मन में है हनुमान जी से बोल दिए हैं वो पूरा करेंगे, हमारा बताएंगे नहीं उसको हम। जय श्री राम, जय हनुमान। लेकिन हनुमान जयंती नहीं है भाई, हनुमान जन्मोत्सव है सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हनुमान जी कभी मतलब कलयुग में है ही, साक्षात है, ठीक है। इसलिए आज के दिन तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उनका वार भी है, और हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे यही मनोकामना है। हम लोग 25 साल तो हो गया भैया जब से हम है यहाँ है, तब से है जी हाँ तब से हम। और अभी अभी राजा भैया ज़्यादा यहाँ मना रहे हैं तो फिर और ज़्यादा जन्मोत्सव का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, पहले थोड़ा साठ था अब बृहद हो गया है। जय राम, जय हनुमान जी। मैं भी यहाँ 6 साल से हूँ, और जब से हूँ ना तब से यहाँ आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। और हमारा सौभाग्य है कि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक मतलब दर्शन करने को मिले। क्या है मंगलवार अपने आप में खास होता है, और उसमें जो हनुमान जी का उत्सव हो गया तो बहुत खास हो जाता है। पर ऐसे कई वर्षों के बाद माहौल बना है, भक्तों में उत्साह है, हनुमान जी के प्रति अभी कुछ दिन पहले भगवान राम जी का उत्सव हुआ है, अयोध्या में राम जी का उत्सव, 2 दिन पहले राम जन्मोत्सव हुआ है, इस कारण भी हनुमान जयंती का जो उत्सव है अपने आप में खास है, भक्तों में उत्साह है और आनंद आनंद है। ये हमको क्या है 54 साल हो गए, हमको मेरे को 54 साल हो गया, और हमारे रानी का पहले से मंदिर बना हुआ है, और मंदिर 70-80 साल से कम का नहीं है, इसलिए भक्तों में उत्साह अधिक है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, अपनी मनोकामना ये तो भक्त आते हैं और हनुमान जी सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में मैं लगभग 20 सालों से आ रहा हूँ, और जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं इस मंदिर में, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी का मनोकामनाएं सबकी पूरी होती है, और बहुत आस्था से आते हैं लोग यहाँ पर और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। हनुमान जी की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, हनुमान जी सबको मनचाहा वरदान देते हैं। यह मंदिर रायपुर में घड़ी चौक के पास स्थित है और बहुत प्राचीन मंदिर है, स्वयं प्रकट हनुमान जी महाराज हैं। मैं पहली बार आज यहाँ आया हूँ, और मैं रहने वाला पिथौरा का हूँ, और भगवान बजरंगबली महाराज जो जगत के रचयिता है आज उनकी जयंती है, तो दर्शन करने पूरे सभी की मनोकामना पूर्ण करें बजरंगबली महाराज जी, बस यही अपनी कामना है। और अब दर्शन करने सब परिवार में आज पहुँचा हूँ। मैं सन्नी रोहिल्ला हूँ, नीलांचल सेवा समिति का एक एम्प्लॉई हूँ बसना सर। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज सभी सब अब जहाँ भी आसपास मंदिरों में जाएँ, बजरंग बली जी के मंदिर में जाएँ, आज उनकी जयंती है, आज के जो जगत के रचयिता हैं ये वीर बजरंग बली जी महाराज का, सभी जाए दर्शन करें, अपनी मनोकामना अपनी भगवान से विनती करें कि सबको खुशहाली रखें, पूरे हमारे देश छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे। ये मंदिर मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, मैं तो स्वयं कम से कम 25 साल से यहाँ आ रहा हूँ, और बाबा का आज जयंती है, बहुत खुशी और हर्षोल्लास है, और जगत के रचयिता हैं पूरे, और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश का सब भला हो बाबा के कृपा से, यही मनोकामना लेके आते हैं। ये मेरा पीहर है, शादी कवर्धा में हुई थी, जब मैं पहली बार फर्स्ट बार चलने लगी तो मेरे माता पिता मुझे सबसे पहले बजरंग बली के दर्शन कराए, मेरे दिल में मेरे मन में बसे हैं श्री बजरंग बली, और क्या बताऊँ, मेरी शादी को 38 साल हो गया और मैं अभी तक बजरंग बली के बिन दर्शन बिन, जब भी आती हूँ अपने मतलब पीहर भंसाली के यहाँ की हूँ, जब भी आती हूँ दर्शन किए बिना नहीं जाती। हाँ हाँ, मैं इनसे क्या मांगूँ, इनने तो मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिए, और क्या मांगूँ, इनकी ही कृपा है जो मैं हर बीमारी से लड़ रही हूँ।
और मेरी बड़ी से बड़ी बीमारी बिन बोले इन्हें ठीक कर। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर प्रातः हम लोग सवेरे हनुमान जी का आरती किए हैं, उसके बाद 8 बजे हनुमान जी का दुग्धाभिषेक हुआ है। अब उसके बाद जो है गौरी गणेश नवग्रह कलश का पूजा करवाएंगे, उसके बाद जो है हवन वगैरह का कार्यक्रम है, 1 बजे से भंडारा है और ऐसा है आज का पूजन पाठ। शाम को सुंदर कांड का रामायण है। अब हनुमान जी का मान्यता भी पूरे विश्व में है, हनुमान जी साक्षात हनुमान जी ही हैं, उन्हीं की कृपा से दुनिया चल रहा है। अब हनुमान जी के पास आदमी का जो मनोकामना होता है, आदमी आज के दिन में हर आदमी दुखी है, जिसको जो मानना है वो मांगते हैं भगवान से, वो आते हैं उसको मांगने के लिए, उसको मुरादें पूरे होते हैं। सर्वप्रथम आप सभी प्रदेशवासियों को एवं हनुमान भक्त को हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जिस प्रकार से विधि विधान से पूरी प्रतिष्ठा की जाती है, सुबेरे कल हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया गया है, आज भी सुंदरकांड का पाठ है, सुंदर पाठ का पाठ शाम को है। अभी हवन और भगवान का पूजा अर्चना के बाद भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम। भक्तों की आस्था है और अपार आस्था है, हनुमान जी जो है हनुमान जी के प्रति अपार आस्था है और मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सभी भक्त हर वर्ष और भारी संख्या में रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का मान्यता यह है कि हनुमान जी जो है आज जन्म हुए थे उसका, और कल्याणकारक है, संकट हरने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है। जो इसकी पूजा करते हैं, जो इसकी सेवा करते हैं, वो आदमी हमेशा सुख से रहते हैं और संकट उससे काटते भी हैं हनुमान जी महाराज, इसलिए उसकी पूजा जो है आज विशेष करके किया जाता है। इस बार खास यह है कि दिन मंगलवार पड़ा हुआ है और बहुत शुभ है आज का दिन, क्योंकि मंगलवार को उसका जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार बहुत शुभ है उसके लिए, इसलिए आज विशेष खास कर वही है। भक्त तो जो कामना लेकर के आते हैं वो कामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं, जो उसका नाम ही है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के संकटों को दूर करते हैं और कृपा भी करते हैं और फल को भी प्रदान करते हैं हनुमान जी महाराज। मैं चंद्रकांत तिवारी, रामनगर कबीर चौक विश्वेश्वर हनुमान मंदिर एवं शनिदेव मंदिर। प्रभु हनुमान की कृपा सब पर बरसे, हनुमान जी को मित्र बनाए तो रास्ता काफ़ी सरल हो जाता है, बस सुख शांति मिले सभी को। हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बस सब बल बुद्धि सबको दे प्रदान करे और हमें सभी विपत्तियों से और सबसे छुटकारा मिले। जब से मंदिर है यहाँ तब से आते हैं। मनोकामना सबका यही रहता है, यही घर घर परिवार सब सुखी समृद्धि रहे, हम भी खुश रहे। इस मंदिर की स्थापना कब हुई है? इनका मंदिर की स्थापना 1992 में हुई है, 31 साल का हो गया है। लोग आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होती है, लोग यहाँ आते हैं और अपना कामना लेकर के और पूरा करके जाते हैं। आज हनुमान जयंती है, क्या खास है? हनुमान जयंती में है सुबह हुआ जन्मोत्सव आरती, फिर दैनिक आरती हुआ, शाम को महाआरती है, संगीत में महाआरती है, और अपने यहाँ 5 तारीख को 5वें महीने में भंडारा का आयोजन है। इस दौरान भक्त क्या मनोकामना? सबका अलग अलग अपना अपना रहता है, कोई व्यापार के लिए आता है, कोई परिवार के लिए आता है, कोई बच्चे के लिए आते हैं, सबका अलग अलग कामना रहता है और ठाकुर जी कृपा से सभी का काम पूरा होता है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई चीज़ नहीं है, और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अनादिकाल से चले आ रहा है। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से कहूँगा कि सनातन धर्म को छोड़कर के दूसरा कोई धर्म ही नहीं है।
मैं मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर राठौर चौक से गणेश तिवारी आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव का ढेर सारी शुभकामना बधाई। मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर यह बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे कोई भी यजमान चोला चढ़ाता है तो चोले की आपको आज एंट्री कराओगे तो कम से कम 2026 की आपको तारीख मिलेगी। और यह हनुमान जन्म उत्सव बहुत हर्षोल्लास से साथ मनाया जाता है। आज राजनांदगांव की भजन मंडली भी आ रही है और महाआरती में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पर यहाँ चोले की ऐसी मान्यता है कि जो भी चोला चढ़ाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। जो भी मनोकामना हो, शादी की हो, बच्चे की हो, है ना, कोई भी घर परिवार की हो, तो सब यहाँ की मन्नतें पूरी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी कम से कम 51 किलो चांदी का पूरा सिंगा वो चढ़ा हुआ है, सब यजमानों की तरफ से चढ़ा हुआ है। आज हम सभी हिंदुओं का बहुत बड़ा जन्म उत्सव है, समझो हनुमान जी का जन्म मतलब हमारे सभी हिंदू भाइयों सनातन धर्मों का है। तो इसलिए क्या है, इसको बहुत ही उल्लास एवं समारोह के रूप में मनाना चाहिए, यही हम कामना करते हैं देशवासियों से। और इसी तरह जिस तरह से अभी मनाया जा रहा है अगले वर्ष आने वाले वर्ष में भी मनाया जाए। और इसी के साथ जय श्री राम। हनुमान जन्म जयंती की सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। यह मंदिर आस्था का एक ऐसा केंद्र है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और आज विशेषकर हनुमान जयंती पर चोला, और ये चोला की अब 2026 तक की बुकिंग हो गई है। और आज के दिन एक श्रद्धालु ने 51,000 रुपये भी इस संस्था को भेंट किया है। और यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है। और ऐसे हनुमान जी, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रदेश में, इस देश में सदैव शांति और आशीर्वाद बनाए रखें। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर समिति की ओर से हम सभी का, सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज प्रातः 6 बजे से मंदिर में दूधाभिषेक और पुष्प श्रृंगार और पूजन चालू है। शाम के 6 बजे महाआरती पूजन संपन्न होगा और हरि सत्संगन मंडल के द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाएगी। हर मंगलवार के और शनिवार के चोला चढ़ाने की परंपरा है और इसमें सन 2026 की तिथियां रिक्त हैं। जो भी भक्तगण चोला चढ़ाने के इच्छुक हैं वो मंदिर समिति के सदस्यों से संपर्क करके अपनी तिथि सुनिश्चित कर सकते हैं। पुनः सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। ईश्वर सबका भला करें। जय जय श्री राम। मैं तो पहली बार आया हूँ आज यहाँ इस मंदिर में। क्या मनोकामना लेकर आए हनुमान जी? अब मनोकामना तो बहुत सारा है, अब घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और माता पिता के स्वास्थ्य, और मेरा करियर जो भी पढ़ाई किया है उसके हिसाब से मेरे को जॉब वगैरह मिल जाए, इस मनोकामना करता हूँ। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस